नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है वो है ध्यान की गहराई को कैसे बढ़ाएं और सुषुम्ना नाड़ी में कैसे प्रवेश लें, इड़ा पिंगड़ा नाली का क्या विज्ञान है। तो इन सभी का जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिए ताकि आप अपने ध्यान को और आगे बढ़ा सकें। जैसे कि आपको इस वीडियो में जो फोटो दिखाई जा रही है उसमें इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी दिखाई गई है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे जो नाक के जो दो नथुने हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट नोस्टिल और राइट नोस्टिल, लेफ्ट जो है हम उसे लेफ्ट नोस्टिल या इड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी, इन अलग अलग नामों से जानते हैं, और राइट साइड राइट नोस्टिल या पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी के नाम से हम जानते हैं। मीन्स लेफ्ट राइट को हम लेफ्ट को इड़ा और राइट को पिंगला भी कहते हैं, और लेफ्ट को चंद्र और राइट को सूर्य भी कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो इन दोनों में से हमारी एक नाड़ी चल रही होती है, तो ये जो नाड़ी चल रही होती है एक घंटा के आसपास में ये ऑटोमेटिक चेंज होती है। कभी हमारी लेफ्ट नोस्टिल चलती है और कभी हमारी राइट नोस्टिल चलती है, और बीच में 2-4 मिनटों का ऐसा होता फ़र्क जिसमें हमारी एक सुषुम्ना नाड़ी चलती है। वो नाड़ी जब ये दोनों नाड़ी सम होकर एक हो जाती हैं, मींस लेफ्ट नाड़ी और राइट नाड़ी जब दोनों ही चलती हैं, तो उसे हम सम कहते हैं, जिसे सुषुम्ना नाड़ी का नाम दिया जाता है। मींस दोनों नाड़ियों के मिश्रण को हम सुषुम्ना कहते हैं। अगर अकेले अकेले चढ़ें तो इड़ा और पिंगला, और जब दोनों चलें तो इसे सुषुम्ना कहते हैं। तो ये तीनों ये नाड़ियाँ एक एक घंटा ज़्यादातर लेफ्ट राइट में ये ऑटोमेटिक चेंज होती रहती हैं, और बीच बीच में 2-4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी, मीन्स ये दोनों ही चलती हैं। इड़ा नाड़ी जैसे मैंने बताया ये चंद्र नाड़ी होती है। चंद्र नाड़ी मीन्स ठंडा, जल का प्रतीक है। इसमें जब साधक की इड़ा नाड़ी चल रही होती है तो वो शांत रहता है, माइंड आराम रहता है, स्थिर रहता है, गंभीर रहता है, उदास भी रहता है और अंतर्मुखी भी होता है। लेकिन इसमें अगर चंद्र नाड़ी ज़्यादा चलती है तो उस को हमेशा कफ की प्रॉब्लम रहती है, और जिसकी इड़ा नाड़ी ज़्यादा चल रही हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसमें स्त्री वाले गुण ज़्यादा होंगे। इसी के विपरीत जो पिंगला नाड़ी है वो गर्म होती है, जिसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसमें जो जब चलती है तो वो अहंकार रहता है, हमेशा बॉडी में तेज रहता है, बलवान रहता है, उस टाइम वो चंचल रहता है और बाहरी मुखी रहता है। और जो भी गुण ये ज़्यादा, जिसमें भी ज़्यादा पिंगला नाड़ी चलती है तो उसमें पुरुष के गुण ज़्यादा होते हैं। और जब ये नाड़ी ईड़ा और पिंगला नाड़ी चलती है तो हम एक अद्वैत में होते हैं, मींस दो होते हैं, ड्यूल होते हैं। और जब इसे हम बैलेंस कर लेते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है और इसमें आप शुद्ध हो जाते हैं, और इसमें आप ध्यान की स्थिति में बहुत गहरे उतरते हैं। ईड़ा और पिंगड़ा का असंतुलन खत्म
होने से ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें अध्यात्म में जब जाते हैं तो इच्छाएं खत्म होने लग जाती हैं और इसको दोबारा से एक बार समझते हैं। जब ईड़ा नाड़ी चलती है तो आप विचारों से भरे रहेंगे, और जब पिंगला नाड़ी चलती है तो आप शरीर से भरे रहेंगे। मीन्स आपको सारा बोध शरीर का ही होगा, मेरे खुजली हो रही है, मुझे यहाँ सिर पे हाथ लगा रहा हूँ या कहीं पैरों पे खुजली हो रही है, मीन्स आपका सारा ध्यान शरीर पे होगा। और ईड़ा नाड़ी होगी तो सिर्फ आप विचारों में ही खोए रहेंगे। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी में आपकी चलेगी तो आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं। चंद्र नाड़ी जब भी चलती है तो उसमें जो भी आप काम करेंगे तो सभी कामों में सफलता मिलेगी, जो दिमाग वाले काम करने हों। और सूर्य नाड़ी जब चल रही हो तब आप शारीरिक काम करें तो उनमें सफलता मिलेगी। अब इसे ये तो हो गया जो नेचुरल चलती है, लेकिन अगर आप इसे चेंज भी करना चाहते हो तो आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जब मर्जी चेंज भी कर सकते हो। इसके लिए आपको, जैसे मान लो किसी का बीपी हाई है तो मीन्स उसका शरीर गर्म हो गया है, उसमें गर्मी का तत्व सूर्य तत्व बढ़ गया है, मीन्स राइट नोस्ट्रिल उसकी चल रही है, तो उसके शरीर को ठीक करने के लिए चंद्र नाड़ी चलानी पड़ेगी। तो उसे क्या करना है, अपने राइट करवट में दाईं तरफ करके सो जाना है, लेट जाना है थोड़ी देर के लिए। एक दो मिनट जब लेट जाएंगे तो ऑटोमेटिक राइट साइड की नोस्ट्रिल बंद हो जाएगी और लेफ्ट साइड की खुल जाएगी। तो वो उसका स्वर जो ठंडा चल पड़ा, इस वजह से उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होगा और वो उसका वीपी जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा स्टेप है भी, आप नाक के सांसों से भी इसको चेंज कर सकते हो। जैसे जो नाक का नथुना लेफ्ट साइड मान लो बंद है और राइट साइड चल रहा हो, या इसी प्रक्रिया को ठीक करना हो, उसका वीपी हाई हो, मीन्स उसका राइट नथुना बंद है, राइट नथुना चल रहा है तो, और लेफ्ट बंद है, तो राइट में सूर्य नाड़ी के कारण उसका शरीर गर्म हो रहा है, तो हमें चंद्र नाड़ी को खोलने के लिए जो राइट साइड में अपने उंगली रख लेनी है, नाक को बंद कर देना है और उसी नाक से सांस लेना है लेफ्ट वाली से, और लेफ्ट से ही छोड़ देना है और दूसरी वाली को बंद रखना है अपने हाथों से। ऐसा करने से दो चार मिनट जब आप करेंगे तो वो नाक आपकी नथुना खुल जाएगा और चंद्र नाड़ी चल पड़ेगी। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप है, सुषुम्ना को नाड़ी को जब चलाना होता है तो अगर वो ऑटोमेटिक भी कभी कभी चल जाती है, जैसे अगर कोई उसे अच्छी कोई खबर मिल जाए, जैसे साधक को नौकरी मिल गई या कोई लॉटरी मिल निकल गई या उसके पास कोई बहुत अच्छी खबर आ गई, तो ऐसी स्थिति में वो उसकी ऑटोमेटिक जो है वो स्वर सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी, या अगर वो गहन समाधि में चला गया तब भी उसकी, या कोई भी व्यक्ति जब भी कोई सेक्स में होता है तब भी उसकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, तभी वो उस आनंद को, और मतलब कहने का जब भी कोई भी उसे आनंद पूर्वक लगे, चाहे किसी भी तरह की उसको खुशी आनंद मिले, तो उसकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है।
अब यह भी अगर साधक को ध्यान में रहना है तो उसकी सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा चलनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा चलेगी तभी वो ज़्यादा देर ध्यान में रहेगा। तो कई साधकों की सुषुम्ना नाड़ी में ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते उसमें रहते रहते तो सिद्ध भी कर लेते हैं। तो जैसे सुषुम्ना नाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है तो उसे हम सिद्ध भी कह देते हैं कि वो जो भी कहते हैं फिर वो सत्य ही हो जाता है। तो ऐसे अब सुषुम्ना नाड़ी हमारी चले उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मेन तो पहले खान पान को ठीक करना होगा। जब भी हमारा खान पान गलत होगा तब ऐसा होगा, मतलब संतुलित भोजन करें। असंतुलित भोजन से ही ऐसा होता है कि वो और नेगेटिव सोच के कारण अशुद्धियां भर जाती हैं जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा नहीं चलती। तो इसको चलाने के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा चले उसके मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ कि या तो आप त्राटक करें। त्राटक करने से भी सुषुम्ना नाड़ी आपकी ज़्यादा देर चलती है। या अगर कोई आप योग करना चाहते हैं तो अलोम विलोम ज़्यादा करें, तब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी हमेशा खुली रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक। और दूसरा अगला और स्टेप है कि आप विपस्ना ध्यान करें, मीन्स आपने सांसों पर ही ध्यान रखना है। मेरी उस पर वीडियोज़ डली हुई है विपस्ना ध्यान, आप उससे भी ध्यान कर सकते हैं, तब भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुली रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और एक वीडियोस है गहरे ध्यान में कैसे उतरें, वो वीडियोस भी आप देख लें, तो वो विपस्ना ही की दूसरी वीडियो है। तो अगर उस तरह से आप ये वीडियोस के सहारे आप ध्यान करते हैं, वो सांसों पर ही ध्यान है, तो जैसे श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है इस पे आप ध्यान करते हैं तो आप पाएंगे आप बहुत ज़्यादा टाइम तक सुषुम्ना नाड़ी आपकी ओपन रहेगी। और जितनी ज़्यादा आपकी सुषुम्ना नाड़ी ओपन रहेगी उतना ही आप ध्यान गहरे ध्यान में आप उतर जाएंगे। तो कोशिश है कि आप ये सारी जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर कोई भी आपका प्रश्न हो तो मुझे मेल ईमेल करें या कमेंट कर दें। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।